यहाँ बनने जा रहे हैं फ्रेश गर्मा गर्म समोसे भाई, दो कचौड़ी पैक कर देना। टीम ने कहा था कि सुबह सुबह उनको समोसों का नाश्ता करना है, तो मैं अर्ली मॉर्निंग शॉप पे आ गया और टीम के लिए गर्मा गर्म समोसे पैक कराने लग गया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम पहुंच चुके हैं सैटरडे ग्राउंड DND में, और मेरे पीछे देख सकते हैं आप, हमारी टीम पूरी प्रिपेयर है और नया मैच खेलने के लिए एकदम रेडी है। देखते हैं, आज हमारा मैच होने वाला है रूट डिजाइन के साथ। रूट डिजाइन भी अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है इनफैक्ट। सो देखते हैं आज का मुकाबला कैसा होता है हमारा। और पिछले कुछ हफ्तों से अपना तो सीन ये चल रहा है कि हारे ही जा रहे हैं, तो सो देखते हैं आज क्या होता है। वैसे पॉजिटिव इन सोच के साथ उतरेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रहा अपना ग्राउंड नंबर 2। ग्राउंड बहुत बड़ा है एक्चुअली, यहाँ पे सिक्सेस मारना बहुत टफ होता है। 70+ है इसकी बाउंड्रीज डायमेंशन अगर कि मैं बात करूँ। सो अपनी टीम तो तैयार है, देखते हैं, मिलता हूँ अभी सबसे। ग्राउंड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे आशीष को देख सकते हैं आप। आशीष यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए बहुत दिनों बाद ग्राउंड में आए हैं ये, और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने खिलाड़ी भी है आज हमारे साथ ग्राउंड में। और राहुल काफ़ी गुस्सा है, राहुल को मन मुताबिक चीज़ नहीं मिल रही है, क्या करें, कीपिंग नहीं मिल रही। जैन साहब काफ़ी सुस्त, चाय में भी चीयर्स। और अपोनेंट टीम आ चुकी है अपनी, क्या मैच में थोड़ा सा विलम्ब, अभी एक्चुअली ग्राउंड खाली नहीं हुआ, बगल वाला ग्राउंड है अपना और उसमें अभी जो है कुछ ओवर बचे हुए हैं, बस कुछ ही ओवर और फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना मैच खेलने वाले हैं ये सामने वाले ग्राउंड में। तो देखते हैं कैसा रहता है आज का मैच। हम हो चुके हैं मैच के लिए तैयार और हमारे दोनों कैप्टन ग्राउंड में पहुँच चुके हैं। रूट डिजाइन की तरफ से हैं दीपक भाई और JNW की तरफ से हैं निरंजन सिंह गुसाई। दोनों अब टॉस के लिए ग्राउंड में हैं, कॉइन का इंतजार हो रहा है और हमारे एम्पायर भी पहुँच चुके हैं, ये भी हमारी टीम से फेमिलियर हो गए हैं। अब कचौड़ी वाले से कॉइन लाना पड़ रहा है, कचौड़ी वाले से कॉइन ला रहे हैं। अंपायर हमारा ऑलराउंडर है, अंपायरिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, चांस भी मिला था खेलने का, समय आने पे फील्डिंग बैटिंग दोनों कर लेता है। अब देखते हैं टॉस। फील्ड लेते हैं पहले, और ये फील्डिंग ले लिया है हमारे कैप्टन ने, टॉस जीत गए हैं। चलिए पसंद कैसा रहा फैसला, हमें पहले बैटिंग लेनी चाहिए थी यार, काम लग गया। नहीं नहीं नहीं, बाद में धूप रहेगी, हमारे लिए अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, देखते हैं निर्णय सर्वमान्य है, कैसा रहेगा आज का मैच। बॉलिंग का मेरा वो होगा आज डेब्यू, मुझे लग रहा है आज डेब्यू करना पड़ेगा। चलो फिर करते हैं हम तब तक अपनी बॉलिंग की शुरुआत, और देता हूं मैं कैमरा किसी और के पास। और जैसा कि रूट डिजाइन जानी जाती है अपनी स्ट्रांग बल्लेबाजी के लिए, आते ही उन्होंने अपनी स्ट्रांग बल्लेबाजी से हमारे फ्रंट लाइन बॉलर्स पे अटैक करना शुरू कर दिया। शॉट शॉट सर, शॉट शॉट है। Thank you.
सेकेंड पारी का आगाज होने वाला है और जीतने के लिए हमें बनाने हैं 234 रन 20 ओवर में। देखते हैं कहां तक हम इस टारगेट को चेज कर पाते हैं। और राजा अपना ओवर शुरुआत करेंगे, सामना करेंगे कुलदीप भाई। पहली गेंद संभवतः बोल्ड, पहली गेंद में बोल्ड मार दिया। रोहित जैन अगले बल्लेबाज के रूप में पहली गेंद में बोल्ड मार चुके हैं राजा कुलदीप भाई को। देखते हैं क्या कर पाते हैं यहाँ पे बल विकेट्स की। ओ बहुत ही अच्छी गेंद, सामना करेंगे यहाँ पे राहुल। बहुत ही अच्छी गेंद, राजा एक बार फिर इस ओवर में चौथी बार सामना करेंगे राहुल। बहुत ही अच्छी गेंद, आसानी से एक रन मिल जाएगा इस बॉल पे। रोहित जैन सामना करेंगे, पारे शॉर्ट पिच गेंद फील्डर। इस ओवर में आखिरी बार राजा सामना करेंगे देवेंदर। और वाइड गेंद, देवेंदर सामना करेंगे अर्जुन पटवाल का। अरे दूसरी बॉल देखते हैं निरंजन क्या करते हैं। मेरा विकेट दूसरी गेंद में हो चुका था निरंजन के लिए, दूसरी गेंद फिर पटक के फिर गेंद बाउंड्री लगा के बाहर, चार रन। तीसरी गेंद देखते हैं क्या करते हैं इस तीसरी बॉल पे, फिर से स्लो। और ये निरंजन ने रोक दिया है बॉल को जबकि मार सकते थे। चौथी बॉल और फिर से लवली, और ये फिर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन। तीन तो बाउंड्री लगा चुके हैं चार गेंदों में और दो चौके और एक छक्का लगा चुका है निरंजन। अब देखते हैं क्या करते हैं, फिर से आप में है, देखते हैं वहाँ पर एक रन तो मिलेगा आराम से, एक रन। निरंजन फिर से तैयार हैं, बोल। तीन ओवर समाप्त, सॉरी चार ओवर समाप्त और चार विकेट का पता नहीं। यहाँ पे राहुल सामना करेंगे, देखते हैं क्या कर पाते हैं इस बार। शॉर्ट पिच गेंद और इसको आसानी से पटक दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर, संभवतः चार रन। एक बार फिर आसानी से एक रन करेंगे यहाँ पक, और आसानी से एक रन, एक रन आसानी से राहुल के लिए अर्जुन पटवाल एक बार फिर। और ये बहुत ही शानदार चार रन, राहुल एक बार फिर सामना करेंगे अर्जुन पटवाल की गेंदबाजी का। देखते हैं क्या कर पाते, फिर से लंबी गेंद और उसको सीधे बाउंड्री लाइन के पार कर दिया है चार रनों के लिए अर्जुन पटवाल। एक बार फिर राहुल के लिए लंबी गेंद और उसको फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया है, संभवतः वहां पे बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे राजा की, एक ही रन मिल पाएगा। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और यहां पे फिर थोड़ी सी फील्ड में चेंजेस और यहाँ पे नए गेंदबाज को लगाया गया है। सामना करेंगे राहुल, फिर से एक बार राहुल सामना करेंगे, देखते हैं क्या कर पाते हैं इस गेंद में। पटकी हुई गेंद और इसको बाउंड्री लाइन के पार कर दिया है वहाँ पे छः रनों के लिए राहुल। एक बार फिर सामना करेंगे, लंबी गेंद पटकी हुई गेंद, दूसरी गेंद देखते हैं क्या कर पाते हैं राहुल, तीसरी गेंद सॉरी माफ कीजिएगा, पटकी हुई गेंद और ऑफ स्टंप पे शानदार चार रन राहुल का, बहुत ही लवली शॉट। राहुल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, सामना करेंगे फिर से एक बार, बहुत ही अच्छी गेंद एक्स्ट्रा आराम से मिल जाएगा यहाँ पे, बाई का एक रन चुरा लिया यहाँ पे। दीपक यहाँ पे सामना कर रहे हैं और ये शॉर्ट पिच गेंद और दीपक ने घुमा दिया है उसको, संभवतः दो रन मिल जाने चाहिए यहाँ पे और एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ा है यहाँ पे। राहुल एक बार फिर सामना करेंगे यहाँ पे, पटकी हुई गेंद और उसको घुमा दिया है बाउंड्री लाइन की तरफ, वहाँ पे दूर छोर पे फील्डर हैं, संभवतः मात्र एक ही रन मिल पाएगा और यहाँ पे मिस फील्ड। अर्जुन पटवाल को फिर से लगाया गया है राहुल के खिलाफ, इस बार राहुल बहुत ही अच्छी यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, दूर छोर पे खेल दिया उसको, मात्र एक रन ही मिल पाएगा। पक सामना करेंगे यहाँ पे अर्जुन पटवाल की गेंदबाजी का, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, दीपक ने संभल के खेला। पक एक बार फिर अर्जुन पटवाल की गेंद का, अरे बोल्ड कर दिया है अर्जुन ने।
विष्णु नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं यहाँ पे, और राकेश पटवाल, माफ कीजिएगा अभी तक इनको अर्जुन पटवाल कह रहा था मैं, राकेश पटवाल एक बार फिर से बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत दोनों ही, और ये शानदार सिक्स, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक। सामना करेंगे सोहन की गेंदबाजी का, फुल यहाँ पे शॉर्ट पिच गेंद, और राहुल ने शानदार चार रन, राहुल की 50 हो चुकी है, बहुत ही शानदार। राहुल जरा एक पोज दियो, पता नहीं यार अभी स्कोर। एक बार फिर से राहुल, वाइड गेंद, फिर से एक बार राहुल ने खेल दिया इसको, और वहां पे फील्डर नहीं है कोई, चार रन, पारी खेल रहे हैं और सामना करेंगे अब, और ये फील्डर के ऊपर से उठाने की कोशिश पर चूक गए वहां पे। राहुल एक बार फिर से सामना करेंगे यहाँ पे, और ये बहुत ही, अरे हाथों में कैच, और ये ड्रॉप कर दिया डबल, और यहाँ पे डबल लेने की कोशिश में है यहाँ पे, और शॉर्ट रन, मात्र एक रन, जीवनदान मिला है यहाँ पे राहुल को पिछली गेंद में, बहुत सूझबूझ भरी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे राहुल, और देखते हैं इस बॉल में, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत सामना करेंगे, वाइड गेंद, नो बॉल है, नो बॉल, नो बॉल है यहाँ पे, अंपायर ने नो बॉल, पिच के बाहर हुई और फ्री हिट यहाँ पे, देखते हैं सामना करेंगे विष्णु, भाग 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 भाग, मात्र एक रन, राहुल बहुत ही सूझबूझ वाली पारी खेल रहे हैं इसे यहाँ पे, और ये शानदार लॉफ्टेड शॉट राहुल का बाउंड्री लाइन के पार, और यहाँ पे आउटफील्ड बहुत ही स्लो है, मात्र एक रन मिल पाएगा, बहुत ही अच्छा शॉट था, जबकि राहुल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, पटकी हुई गेंद, और यहाँ पे फील्डर बॉल के नीचे है, और ये आउट, राहुल आउट, और यहाँ पे हमारे दोनों खब्बू बल्लेबाज मैदान में, अब सुनील नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं, देखते हैं क्या कर पाते हैं राहुल के आउट होने के बाद। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, विष्णु सामना करेंगे यहाँ पे, और ये विष्णु का शानदार सिक्स, सिक्स राजा विष्णु के लिए, और ये शानदार एक रन चुरा लिया है वहां पे, शानदार यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों की। यहाँ पे सुनील नए बल्लेबाज के रूप में है राजा के सामने, अंकित चमोली नए बल्लेबाज के रूप में, और ये आते ही घुमा दिया है बाउंड्री लाइन की तरफ, देखते हैं क्या कर पाते हैं, और मात्र एक रन, और फिर विष्णु, और ये सामना करेंगे, और ये शानदार दो फील्डरों के बीच से गेंद निकल गई है, चार रन, चमोली एक बार फिर, और ये पहुंचा दिया है इसको धारपुर छह रनों के लिए। बॉल में क्या कर पाते हैं, फिर से वही गेंद, और इस बार उसको फिर से बाउंड्री लाइन की तरफ उठा दिया है, और यहाँ पे चार रन, तैयार हैं, देखते हैं क्या कर पाते हैं इस गेंद में, और ये स्लोअर गेंद में अंकित चमोली गए, आशीष पठानिया नए बल्लेबाज के रूप में, और देखते हैं क्या कर पाते हैं यहाँ पे आशीष, और ये बहुत ही शानदार सिंगल मिल जाएगा, सिंगल, और यहाँ पे सिंगल दौड़ चुके हैं आशीष पठानिया नए बल्लेबाज, सामना करेंगे यहाँ पे नए गेंदबाज का, देखते हैं क्या कर पाते हैं आशीष पठानिया, और ये वाइड गेंद संभवता, यहाँ पे फिर से आशीष पठानिया, और ये आशीष का पहला शानदार चार रन, मनीष जल्दी, आशीष शानदार चार रन मार चुके हैं पिछली गेंद पे, इस गेंद में देखते हैं क्या कर पाते हैं आशीष, फिर से पटकी हुई गेंद, और वहां पे दूर जोर पे फील्डर है, और मात्र एक रन मिल पाएगा, फिर से एक बार आशीष शॉर्ट पिच गेंद, और यहां पे अपना विकेट दे बैठे, नए बल्लेबाज के रूप में अब आए हैं अंतिम विकेट हमारे मनीष भाई, देखते हैं क्या कर पाते हैं यहाँ पे मनीष भाई के लिए, फील्ड सजा दी गई है, और बहुत ही अच्छी गेंद, और यहाँ पे चार रन मिलेंगे भाई के, चार रन, मनीष भाई फिर से सामना करेंगे यहाँ पे, और ये शानदार मनीष भाई का दूर छोर पे, वहां पे कोई फील्डर नहीं होने की वजह से चार रन, बहुत ही अच्छा ड्राइव किया गया यहाँ पे, विष्णु बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखते हैं क्या कर पाते हैं, दोरे इस बार उड़ा दिया है इसको में, देखते हैं क्या कर पाते हैं, बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, और ये शानदार चीकी शॉट, और वहां पे कोई भी फील्डर नहीं है जिसके वजह से, और आसानी से चार रन, विष्णु देखते हैं, विष्णु बहुत ही शानदार बल्लेबाज, और ये शानदार शॉट विष्णु का, स्ट्रेट ड्राइव खेला वहां पे, मात्र चार रन आसानी से मिल जाए, एक बार फिर विष्णु के लिए गेंद, और विष्णु ने इसको चार रन के लिए कन्वर्ट कर दिया है बाउंड्री लाइन के पास भाई यहाँ पे,
और ये शानदार, और राजा ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा, और यहाँ बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी कर गए आज, नॉट आउट आए हैं, इनका साथ देने के लिए आज कोई नहीं रहा। और यहाँ पे टीम अब तैयार है, आप देख सकते हैं अपोजिशन टीम भी तैयार है उधर, इस ग्राउंड में अब दूसरा मैच होना है, और हमारे प्लेयर धीरे धीरे मंदे मंदे कदमों से जाते हुए अपने मैच समाप्ति के बाद अब समोसों का आनंद लिया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और हमारे विनिंग कैप्टन दीपक भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, कैसा लग रहा है आपको मैच जीत के, कैसा लगा जे एंड अप के साथ खेल के? दूसरा मैच है जे एंड अप के साथ आपका, पर बहुत ही ज्यादा टफ फाइट देते हैं आप हमेशा जे एंड अप। थैंक यू, 3-0 हो गया, हम अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाए। और हमारे स्टार और दो नन्हे मेहमान भी आए हैं आज ग्राउंड पे। हाय बेटा, हाय बोलो, हाय। और आज के हमारे स्टार बल्लेबाज गेंदबाज राजा, कौन बना आज मैन ऑफ द मैच? और हमारा यहाँ पे ये थर्ड मैच जिसमें हम लोग हार देख चुके हैं। दीपू दूसरे मैच में, दीपू कैसा लग रहा है आज का दिन? बेकार लग रहा है आज का दिन, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम रन मार लेना, कल का मैच है अभी। वैसे जैन साहब मत पूछो मनीष भाई ने तो दो चौके मारे हैं एटलीस्ट लास्ट में, पठानिया ने एक चौका मारा है आज, एक चौका लगा है। सो निकलते हैं, अब करते हैं इस ब्लॉक को यहीं पे एंड। नारायण 56 रन खाए इसने आज, इसने 56 खाए हैं आज पहली बार, कोई नहीं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉक में, बाय बाय।